जागो सुबह हुई हमारी रोज का सेगमेंट चल रहा है। नहीं, मैंने शेफ मदिया को रोज की टेंशन नहीं कहा है, ये मैं ये रोज की टेंशन जो है उस सेगमेंट का नाम है। आप लोगों की टेंशन है हम दूर करते हैं खाना बना के। आज बन रहे हैं ऑमलेट्स तरह तरह की और वो काम कर रही है बेचारी, लगी हुई है ऑमलेट्स बनाने में। यहाँ पे हमने तीन कंटेस्टेंट्स ऑडियंस में से उठाई है और अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इनके सामने ये एक्टिविटी है कि वी गॉट थ्री नेल पॉलिशर्स। आप लोगों को नेल आर्ट करना है, नेल पॉलिश लगाएं, उस पर डिजाइन बनाए, जो करने करें। उंगलियां अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 10 है इनके हाथों में तो 10 उंगलियों में आपको करना है। अब 10 में आपने ऐसे ही फजूल में लगा दिया तो वो काउंट नहीं होगा। जिसने प्रॉपर नेल आर्ट किया हो, जिसकी सबसे खूबसूरत लगे तो वो हम काउंट करेंगे। जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉपर नेल आर्ट हुई भी होगी उंगलियों में 10 में से, वो जीत जाएगा। सिंपल, इसका जो कहते हैं ना, व्हाट इज द कैच इज कि आपको इसको एक ही मिनट के अंदर करना है। अब उस एक मिनट में आप कितनी कर लेती हैं सही तरीके से वो मैटर करता है। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारी ऑडियंस की बहुत सारी तालियों में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा स्टॉप वॉच स्टार्ट करें। 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स गो, कम ऑन गर्ल्स। आप लोग हूट कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। गुलाबी लगाई है, एक ने ब्लू, नीली। अच्छा, नेल आर्ट भी जल्दी 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 नेल आर्ट भी करना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buzzer please, done, 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 done. मैं अपने काउंटर पे जा रही हूँ। नहीं नहीं, अभी आप कहाँ जा रही है? अब देखो, जब असल वक्त आया, जब फैसले की घड़ी आई तो इन्होंने साथ छोड़ रही है। दिस इज नॉट, क्या कर रही है वो? बहुत प्यार से बोल रही थी, हेल्प करने, हेल्प करने। ऐसा कहा, किसने कहा, किसने कहा? ये आपकी शक्ल को देखकर हर कोई ऐसे क्यों कहता है वैसे? मेरी हेल्प कर दो, हम कुकिंग कॉम्पिटिशन करते हैं, मासूम शेफ को हर कोई बोलते मेरी हमारी हेल्प कर दे। अच्छा जी, उंगलियां दिखाएं, उंगलियां, वक्त आ गया। एक मिनट, हाथ कांपने, हाथ कांप रहे हैं। बस बस बस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी आके इसके हाथ पकड़े थे। अच्छा, एक आ जाएं, आप भी आ जाएं। आपने एक ही हाथ में किया, दूसरे हाथ कहाँ गया? अरे दूसरा हाथ नहीं किया इन्होंने। अच्छा, अब आप देखिए खूबसूरती के हवाले से आप कितनी उंगलियां किसकी गिनेंगी, अब आप काउंट कर लें। ये डर्टी जॉब शेफ मदिया करेंगी, करे करे। मैं तो होस्ट टू होस्ट कैन नॉट डू द डर्टी जॉब मैन। 1, ये लेकिन काफी जो है बहुत नहीं, बिल्कुल परेशान ना होए बेटे, कुछ ना कुछ तो जीत के ही जाएंगे आप। 3, 4, 5, 6, 7, नहीं 6, अच्छा जी, ये 6 है, ये तो 5 है। प्रॉपर नेल पॉलिश लगी हुई है, ओके। हाँ, ये तो नहीं हुआ हुआ इसमें, ये 5 है, 5 एंड, लेकिन इसे सही लगाई है वैसे। नहीं, ये क्या हुआ है, नेल आर्ट है यार, प्लीज ये दिखाएं, तालियां। देखिए क्रिएटिविटी तो थी वैसे, हाँ, अच्छा लगे ना लगे। अच्छा, 1 एंड देन 2, बस बाकी प्रॉपर भी नहीं लगे, नहीं लगे। लेकिन तो आप किसको फर्स्ट कराएंगे? 6, अच्छा जी, कांपते हुए हाथ, हो गए जीत, हो गए जीत। ये भाई क्या नाम बताएं? रमशा। अच्छा, अब आप ये पकड़े ताकि मैं आपकी हेल्प करूँ। रमशा से पूछें वो कैसा लग रहा है, आप मजीद हाथ तो नहीं कांपते जीतने के बाद? रमशा, आपको कैसा फील हो रहा है, आपके हाथ कांप रहे हैं जीतने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये गिफ्ट हुआ रमशा का, ऐसे ही होते हैं। अच्छा, हमारे रानी साहब के लिए भी हमारे पास है गिफ्ट, आप भी अकेले नहीं जा रहे, आपके साथ भी गिफ्ट जाएगा। आपका नाम? इरम। इरम के लिए बहुत सारी तालियां, थैंक यू। एंड देन वी हैव परा, परा के लिए बहुत सारी तालियां भाई, थैंक यू।
शेफ मदिया की जजमेंट पे बहुत सारी तालियां। अब इससे पहले कि ऑमलेट जो है वो ऑफ कोर्स तबाह हो जाए, आप भाग के जाए अपने चीज। ऑमलेट तो बन भी गए, बन गए जबरदस्त। ये खाने का वक्त आ गया, तो आप थोड़ा मेथड समझा दें हमें, ताकि फिर हम ऑफ कोर्स मेथड से अपनी ऑडियंस की तरफ भी आए, गप्पे भी लगाएं, और आज की जो हमारी वाव फैक्टर है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तो शेफ कहाँ तक पहुँचे? जी हम लोग यहाँ पर चीज ऑमलेट बना चुके हैं। चीज ऑमलेट बनाने के बाद जो है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब ऑमलेट रेडी हो जाता है, बीच में एक कॉर्नर पे मैंने चीज को जो है वो स्प्रेड किया, उसके बाद उसको चारों साइड से यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टोस्ट को जो है वो गर्म कर रही हूँ। अगर टोस्टर है तो आप टोस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तवे पे या फ्राइंग पैन पे भी। लेकिन मेन कॉन्सेंट्रेशन मेरी हमेशा ये रहती है कि जो लोग किसी घर पे टोस्टर नहीं है, एग्जैक्टली आई एग्री, तो फिर वो किस तरह करेंगे ये काम? वो देखें, बोले शेफ मदिया ने इतना मुश्किल चीज, इतनी कोई मशीन यूज करनी, टक टक बाहर आ रही चीजें, कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? मैं कुछ नहीं कह रही, ये शेफ मदिया के थॉट्स है। अच्छा सही है, डन। नॉर्मल इंसान के दिमाग में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। अच्छा ओके फाइन, ओके हम कुछ नहीं कह रहे, मुझे बताएं ये हो गया कहानी, डन हो गया, डन ये भी डन हो गया। अब यहाँ पर इसको निकालने के हम डिश आउट करेंगे, ठीक है। इसको पहले फोल्ड करना है एक साइड से, सही है, एंड देन वी गोना फोल्ड। अच्छा ऑमलेट्स मजे के उस वक्त लगते हैं थोड़े फ्लफी हूँ, फिस जाए मरियल से बेचारे वो रबर जैसे बन जाएंगे तो बहुत बुरे लगते हैं। खुशबू भी आनी बहुत जरूरी होती है। आई एग्री विद यू, है ना, अच्छी खुशबू भी आए, देखने में भी अच्छा लगे और खाने में तो यम्मी लगे, तभी मजा है, वरना क्या मजा। चलें हमने अपने चूल्हे जो है वो कर दिए ऑफ, डन डना डन। यस अब ब्रेड रखनी है हमने और इसको प्रेजेंट कर दिया। अच्छा शेफ मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी। आज जैसे मैं अभी इंट्रो में भी बात कर रही थी और मैं अपनी ऑडियंस से चाहूंगी अगर वो कुछ पिचिंग करना चाहें, या हमारे यहाँ पे जो बहुत ही स्पेशल ऑडियंस आई है उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, खास मेहमान हमारे, कि अगर हम बात करते हैं जिम्मेदारियों के, तो क्या हम अपने बबल से बाहर निकल के अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं? यानी कि अभी ईद गुजरी है, ईद पे लोगों के यहाँ कुर्बानियाँ हुई हैं, यकीन जाने उस कुर्बानी के बाद जो अल्लाह माफ करे गंदगी मची है, सीरियसली, यानी आपने किस चीज की जिम्मेदारी ली? आपने सिर्फ गोश्त खाने की जिम्मेदारी ले ली? आपने बकरे कटने के बाद या गाय कटने के बाद के जो लवाजमात थे उसका प्रॉपर डिस्पोजल तक नहीं किया गया, और जो किसी ने अगर गलती से बेचारों ने सही तरीके से कचरे कूड़े में डाल दिया हो उसका भी बेचारा वो उठाया गया है और मेन शहर में गिरा दिया गया, यानी ये हमारे पास कोई प्रोसेस है ही इन प्लेस, तो और इसके लिए कोई हम छोटी छोटी अगर खुद ही हम स्टार्ट कर देना, एक वहम स्टार्ट कर देंगे, हम सफाई स्टार्ट कर देंगे, सफाई करना स्टार्ट कर दें रोड्स पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली आपका घर है, आपका मुल्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और शेयर घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही सफाइयां करते हैं। मुझे बताएं सफाई, हमारे दीन में कहा है कि सफाई चीज है, इज द सेंटर ऑफ अवर फेथ, तो उसके बावजूद भी अगर हम नहीं कर रहे तो यानी कि कोई गड़बड़ हो गई। छोटा सा क्वेश्चन मैं सबसे पूछना चाहता हूं आपसे, बड़ा करें करें, नहीं छोटा सा है लेकिन बात बहुत बड़ी है। अचानक से हम जब पीछे के बारे में सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हमें बता रहे होते हैं, ऐसे वायरसेस इतनी जल्दी फैलते नहीं थे, हर कुछ महीने गुजरते हैं तो कभी कॉन्गो वायरस आ रहा होता है, कभी डेंगू वायरस आ रहा होता है, व्हाई इज दैट? हम लोग सफाई के बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं, और ये भी भूल चुके हैं कि हमें अपनी सराउंडिंग्स का ख्याल रखना है, सिर्फ अपना नहीं, कि हम साफ सुथरे होकर घूमते रहे और बाकी सब का भी ख्याल रखें प्लीज। शेफ मदिया बहुत उन्होंने काम की बात कही, यकीन जाने देयर वाज अ टाइम मैं बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जा रही थी, तो मेरे डॉक्टर ने एक बात कही, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ था, टाइफाइड की वैक्सीन कहाँ गई? उन्होंने कहा शॉर्ट है या नहीं आ रही आजकल? मैंने कहा क्यों नहीं आ रही? तो उन्होंने कहा क्योंकि नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों, बाहर से नहीं मिलती? नहीं नहीं देखो टाइफाइड की मिलती यहाँ पे ही है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है, बाहर मुल्कों में जरूरत ही नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि टाइफाइड जैसी बीमारियां गंदगी में ही होती हैं, और बाहर मुल्कों में ऐसी बीमारियां नहीं है क्योंकि उनके यहाँ गंदगी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम गंदगी को खत्म करें और अपने अपनी एंड से अपनी जिम्मेदारियां कबूल करें और आगे बढ़े। अच्छा अब आगे बढ़ने की बात है, थैंक यू सो मच शेफ, हम जो है ये आपके ऑमलेट जो है अभी ट्राई करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और आपको जरूर बताएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। जुमा मुबारक आप सबको, जुमा मुबारक, मुझे इजाजत दें प्लीज। इजाजत दिया जाओ, माफ किया क्या याद कराई का प्रॉमिस, एक चीज याद आई मुझे, कढ़ाई का प्रॉमिस जो मैंने कल आपसे किया था, कढ़ाई को बनाएंगे, व्हाइट कढ़ाई मंडे को बनाएंगे। आज खास तौर पे रेसिपी चेंज क्योंकि शेफ मदिया ने, बिकॉज़ ऑफ द चिल्ड्रन दैट वी हैव हियर, थैंक यू सो मच शेफ, वी लव यू। वक्त वाइज ब्रेक का, ब्रेक में जाएंगे, वापस आएंगे, बहुत ही खास हमारे पास एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं
थैंक यू बहुत ही खास सेगमेंट अभी आने वाला है। पहली दफा हमारे पास जो हम कर लेकर आ रहे हैं इस हफ्ते, पहला सेगमेंट वो है सड़क कहानी। अब सड़क कहानी है क्या वो देखिएगा इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। अब बचाओ तालियां। होती तलख है सड़क कहानी। Once again, जी हाँ, हम अपना आज का पहला सेगमेंट सड़क कहानी का लेकर आए हैं आपके पास। और सड़क कहानी आप समझ गए होंगे कि किस असल हकीकत के हवाले से हम शो कर रहे हैं। एक ऐसी हकीकत जो हमारे इर्द गिर्द है, जिसके हवाले से दिल तो बुरा होता है, लेकिन जब कोई काम अच्छा कर रहा होता है तो वहाँ से उम्मीद भी नजर आती है कि जहाँ इतनी बुराई है, जहाँ पे अगर आप हमारे न्यूज चैनल्स खोल लें और आपका दिल बैठ जाता है उस वक्त कि या अल्लाह कहाँ जा रहा है ये मुल्क, वहाँ आप इस तरह के लोग और ऐसी कहानियां देखकर आपके दिल में एक ऐसी चमक आती है उम्मीद की कि आपको वो होप देती है कि भाई ऑल इज नॉट लॉस्ट, देर इज स्टिल प्लेंटी लेफ्ट, देर इज होप। हमारे यहाँ हीरोज, असल रियल लाइफ हीरोज मौजूद हैं जो कि बहुत फंटास्टिक काम कर रहे हैं। इस सड़क कहानी के पहले शो के लिए, फर्स्ट एपिसोड के लिए हम कहाँ गए, कौन सी सड़क कहानी हमने जाके देखी और किसको हमने कवर किया है वो आपको आज दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। कहाँ आई हूँ, हमने बहुत ढूंढा कि अपना पहली स्टोरी हमारी सड़क की कौन सी होनी चाहिए। मैं राइट नाउ अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के बाहर जो ब्रिज है उसके नीचे जो एक मिरेकल हो रहा है उस मिरेकल को देखने आई थी और हमने सोचा इससे अच्छी कहानी हमें यहाँ नहीं मिल सकती है। यहाँ पे तकरीबन एक वक्त में कोई 250 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनको यहाँ तालीम दे रहे हैं। वो तालीम की बेसिक सहूलत जो कि हर माशरे में मौजूद होनी चाहिए, वरना जिस माशरे में तालीम ना हो उनमें फिर इंसान और जानवर में फर्क खत्म हो जाता है। सब बहुत बिजी हैं पढ़ाई करने में, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगी। यहाँ पे मैंने टीचर्स से पूछ लिया है कि अगर मैं बात कर सकती हूँ इन बच्चों की थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोगों को बताया जाए कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से पढ़े हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शादमान। शादमान, शादमान पढ़ाई करना अच्छा लगता है आपको? जी। अभी क्या पढ़ रहे हो? मैथ कर रहे हो? अम्मी भेजती हैं, अबू भेजते हैं, खुद आते हो जिद करके? खुद आते हैं। बड़े होके क्या बनना है? फौजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हूँ। क्या नाम है? हजूर बख्श। हजूर बख्श नाम है। अच्छा, आप तो बहुत जोर जोर से पढ़ा रहे हो सबको। जी। अच्छा लगता है? हाँ। बड़े होके क्या बनोगे? टीचर? सर बनोगे ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। सेम। अच्छा, आपको जो सब्जेक्ट लगता है वो कौन सा? एबीसी अच्छा लगता है। एबीसी अच्छा लगता है इसको? एबीसी अच्छा लगता है, सही है। ठीक है, पढ़ा के दिखाओ कैसे पढ़ा रहे हो। कैसे बल्ला? ये वो बच्चे हैं हु आर सो डिप्राइव्ड कि इनके पास सही तरीके के कपड़े भी नहीं है साफ पहनने के लिए। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे खाना पीना पूरा नहीं होता, तो फिर तालीम तो बहुत दूर की बात है। ये
इस हवा में, इतनी मिट्टी में, इतनी धूल में, इतनी गाड़ियों के शोर में, यहाँ पे जहाँ अपने बच्चों को घर से बाहर जाने नहीं देते हैं, उस डर से कि घर के बाहर कैसे जाइए, बच्चे इन सड़कों पे रह रहे हैं। अमीन, दिल फट जाने का वक्त आ गया। आई कांट हेल्प इट। ये बहुत बहादुर बच्चे, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम। और मुझे सिर्फ इन पे ही नहीं, बल्कि यहाँ की जो इंतजामिया है, यहाँ की वो फरिश्ता नामी खातून जो कि इतना कुछ कर रही हैं, उनके हवाले से मैं कहूँगी कि सलाम है उनसे, और सलाम है हर उस शख्स पे इस कौम के जो कि एक्चुअली अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा बढ़ के अपनी जिम्मेदारी लेकर कभी पूरा कर रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह चाहिए इनके लिए। जी हाँ, आज हमारे पास एक ऐसे बच्चे आए हैं जो कि सड़क कहानी के हवाले से कहना चाहूंगी, ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ है जो कि इन बच्चों को सड़क पे पढ़ा रहा है, और ये बच्चे माशाल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया है इन्होंने, बेसिक से स्टार्ट किया है, और माशाल्लाह मैथ्स भी कर रहे हैं, उर्दू भी कर रहे हैं, इंग्लिश भी, जो बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है वो कर रहे हैं। किस हद तक क्या जिंदगी इनके लिए लेकर आई है, क्या इनके लिए ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट किया है, वो भी इनसे बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के हवाले से वो शख्स जिसने ये कदम उठाया, जिसकी एक सोच थी, जो कि अपने बबल से बाहर निकल के, अपनी चार दीवारी से बाहर जिन्होंने सोचा, वो शख्सियत कौन है? क्योंकि यस, शी इज एन इंस्पिरेशन। जब मैं वहां गई तो मैं तो, इट वॉज अ वेरी बिटर स्वीट फीलिंग। एक दिल बुरा भी हो रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स इन बच्चों को उस हालत में देखना, लेकिन बहुत खुशी हो रही थी कि ये वही बच्चे जो एक्चुअली पढ़ रहे हैं और वहाँ वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को एक मकसद मिल रहा है। तो ये मकसद देने वाली शख्सियत कौन है, ये फरिश्ता नामी इंसान कौन है? मैं फरिश्ता इसलिए कहूँगी कि जी हाँ, आजकल के माशरे में जो इंसान ये करता है वो कोई नॉर्मल नहीं हो सकता, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। तो आप तमाम लोगों की बहुत सारी ढेर सारी तालियों में, लेट्स वेलकम द प्रेसिडेंट ऑफ ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव सैयदा अल्फस अली शाह जैदी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। साथ ही ऑफ कोर्स हर इंसान, हर कामयाब इंसान के पीछे एक टीम जरूर होती है, क्योंकि बगैर टीम के एक सोलो इंसान तो नहीं कर पाता। नो डाउट क्रेडिट गोज टू यू फॉर क्रिएटिंग दैट टीम, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पिक एंड चूज कर रहे होते कि किसको अपने काफिले में शामिल किया जाए। तो मुलाकात करवाती हूँ, हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी हैं ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, लेट्स वेलकम डॉक्टर तूबा। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आप बैठे। अच्छा, ढेर सारी बातें करनी है, और वो तमाम लोग जो अभी बैठे और सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कैसे किया इन्होंने, मैं बहुत अरसे सोचती रही कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और इनके पास जाकर मैंने तो ये सोचा है कि मैं एटलीस्ट वॉलंटियर जरूर करूंगी आपके शहर पे आके। क्या हम ऐसे ही जा सकते हैं, वो जरूर पूछेंगे, और ये आइडिया कैसे आया इनके जहन में, व्हाट एक्चुअली इनिशिएटेड इट, ये तमाम बातें करनी है। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, मैं थोड़ा बच्चों को और मजीद पढ़ाती हूँ, ब्रेक से वापस आके अपनी गप्पे स्टार्ट करेंगे। सो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
अनफॉर्चुनेट है बहुत कि इस मुल्क का जीडीपी का लेस देन 2% जो है वो पढ़ाई के लिए या एजुकेशन के लिए रखा गया है, और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि वो कम से कम होते जा रहा है। पढ़ाई को एक इम्पोर्टेंस जो देनी चाहिए, क्योंकि कौम को अगर आप प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं तो तालीम इज़ अ नेसेसिटी, इसका इसमें कोई आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। या हम तालीम की बात करें, हम देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, हर बच्चे को ये मौका चाहिए कि वो एक्चुअली पढ़े, उनकी जो सारी एनर्जी है वो एक तरफ डायरेक्शन उसको मिले। और ये आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं अनफस। मेरा सवाल जो कि मैं ब्रेक से पहले छोड़ के गई थी, आखिरकार ये आइडिया आया कैसे? अस्सलाम, मसला यही कि हम 5 साल से तो काम कर रहे थे एजुकेशन पे, लेकिन स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए जो हम स्ट्रीट पर आए, वो APS का जो साना हुआ था हमारे शावर के अंदर, उसके बाद मैंने, मेरे फ्रेंड्स हैं हमारे, तो हमने बैठ के सोचा कि क्या वजह है कि बहुत से हमारे बच्चे यूज़ हो जाते हैं इन चीज़ों के अंदर, जो बाहर के अनासर हैं, दहशतगर्द हैं, वो ओपन पॉइंट करते हैं हमारे ऐसे बच्चों को जो एहसास महरूमी का शिकार हैं, माशी तौर पर भी और स्कूल में भी नहीं। तो हमारी पाक फौज है, हमारे सारे हैं, वो तो बॉर्डर्स पे और इनके साथ लड़ ही रहे हैं, लेकिन रूट्स पे आपको देखना पड़ेगा कि आप एक वक्त में एक दहशतगर्द को मार देते हैं, लेकिन ये पैदा क्यों हो रहे हैं आपके मुल्क के अंदर? बिल्कुल। तो हम, मैं जो कर सकती थी एजुकेशन वाइज कर सकती थी, जाहिर है हम बॉर्डर्स पे जाके तो नहीं लड़ सकते। फिर हम लोगों ने पिन पॉइंट किया उन बच्चों को, जो एक बड़ी तादाद है, 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो पाकिस्तान में से बाहर हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद ऐसे बच्चे जो कभी, हमारे पास 4 से लेकर 17 साल तक के बच्चे हैं जो कभी स्कूल गए नहीं, यानी एक बच्चा 17 साल का हो गया कभी स्कूल नहीं गया, उसको पेंसिल नहीं पकड़ने आती, ऐसे बच्चों के लिए फिर यही था कि बहुत से, वैसे तो गवर्नमेंट ने स्कूल्स लिए हुए हैं, NGOs ने भी अडॉप्ट किए हुए, लेकिन आप कैसे वहाँ देखेंगे कि ये वाकई स्ट्रीट चिल्ड्रन से या आम बच्चे हैं? बिल्कुल, वो आ रहे हैं। तो जब हमने पूरा रिसर्च किया तो हमें पता ये चला कि उन स्कूलों के अंदर स्ट्रीट चिल्ड्रंस नहीं है, वो सिर्फ अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो बच्चे जिनको तालीम की जो फैसिलिटी वो मैसर नहीं है। बिल्कुल, तो स्ट्रीट चिल्ड्रन नहीं है। स्ट्रीट चिल्ड्रन के नाम पे फंड्स भी बहुत आते हैं, काम भी बहुत लोग शो करते हैं, लेकिन हम जज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर काम हो रहा होता तो इनकी तादाद कम होनी थी, बढ़ती ना, बढ़ के 2.5 करोड़ के ऊपर या इससे भी ज्यादा जा चुकी है। उसके लिए फिर ये था कि हम पहले वर्क किया हमने 6 महीने जाके सारे बच्चों पे, क्योंकि एकदम से ये लोग आते नहीं हैं जी, तो पहले जाके इनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, इनके पेरेंट्स, और हमारे पास ऑर्फन्स बच्चे हैं, जो बच्चे भीख मांगते हैं वो बच्चे हैं, जो डिफरेंट जगहों पे ड्रग्स में यूज़ हो रहे होते हैं छोटे लेवल पे, या अब्यूज़ हो रही होती हैं बच्चियाँ, यानी हर तरह से क्राइम्स में इन्वॉल्व जिन्हें किया जाता है ज़बरदस्ती या माशी तौर पे हो जाते हैं। तो वही है ना, माशी तौर पे जब आप टूट जाते हैं तो फिर इंसान रोटी के लिए फिर ये तमाम हथकरे कर रहा होता है ना इस्तेमाल। और फिर आपने जिस तरह बात कही कि बिल्कुल क्राइम यहीं से फिर जन्म लेता है इसी के, लेकिन आपने एक बात कही जिसे मैं डिसएग्री करूंगी, आपने कहा हम बॉर्डर पे जाके तो नहीं लड़ सकते। यकीन जाने आप जो काम कर रही हैं वो किसी जंग से कम नहीं है। मुझे बताएं, जब आप गई यहाँ पे, आप जाके इनकी काउंसलिंग करती थी, तो बेसिक क्या रिप्लाई आता था? रेजिस्टेंस तो होती होगी पेरेंट्स से भी, कि जो बच्चे जाके भीख मांगते थे नंगे पाँव, और जिनको लोग बच्चे देख कर नंगे पाँव शैबी क्लोथ देख कर उनको पैसे दे देते थे, तो उनके लिए वो एक जरिया माश तो कम हुआ ना। हाउ डिड यू कन्विंस द पेरेंट्स? पेरेंट्स को देखें, इसके अंदर 3-4 कैटेगरी के बच्चे हैं। कुछ हैं जिनके पेरेंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं कि लवारिस हैं, वो बच्चे किडनैप हो गए या घरों से नाराज होकर चले गए, तो किसी ना किसी माफिया के हाथ लग गए। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके खालाओं के पास ही आए हुए इंटीरियर सेन से बच्चे हैं, वो वहाँ पे कह के आते हैं हम काम करने आ रहे हैं, लेकिन सड़क पे भीख मांग रहे होते हैं। क्योंकि जब कई दफ़ा होता है मैंने लेके आती हूँ, कहते हैं हमारी तस्वीर नहीं आना चाहिए या मीडिया में नहीं जाए, क्योंकि हमारे वहाँ जो लोग हैं वो समझते हैं हम यहाँ पे काम कर रहे हैं या घरों में या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। मुझे पेरेंट्स से तो काफ़ी, फिर भी पेरेंट्स थोड़ा कॉपरेट करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि माशी तौर पे हम उनकी मदद करेंगे। कैसे करते हैं माशी तौर पे मदद? हम इनको 50 रुपीज़ पर चाइल्ड एवरीडे देते हैं इनको। अच्छा, वन टाइम फूड देते हैं। इनको वन टाइम फूड देते हैं, इसके अलावा जो भी बच्चे, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती, बच्चों से हम पूछते हैं कि विश क्या है, ताकि उनमें एक एहसास महरूमी ना रहे। लाइन में लगा कर चीज़ें देने से आप कुछ भी दे देंगे, लेकिन उनकी सेल्फ सेटिस्फाई नहीं होगी कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट।
थैंक यू. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थॉट एंड आई जस्ट विश कि हम सब भी इसी तरीके से सोचें कि हाँ हमें उनसे उनकी चाहत या उनके जो विशेज है वो जरूर जाने. एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है किसी को एक बहुत ही नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए कपड़े चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बहुत छोटी लगती है लेकिन सोचें कि उनके लिए कितनी बड़ी बात है. और हाँ आई पर्सनली बिलीव हम और आप अगर इस तरह की चीज़ों में यू नो काम में अगर लग जाएं तो दो चीज़ें होंगी, एक हालात बदल जाएंगे, दूसरा आपकी अपनी पर्सनल हालत भी बदल जाएगी. डॉक्टर तूबा आप कब से आप इनके साथ हैं एनफेस के साथ? मुझे काफ़ी अर्सा नहीं हुआ इनके साथ, लेकिन जब मैंने इन्हें देखा था ड्यूरिंग रमज़ान ये इस कॉज को चला रही थी और काफ़ी अर्से से चला रही थी, तो मुझे हुआ कि मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती. क्योंकि एक तालीम हासिल आप कर लेते हैं, आप क्यों किसी और को तालीम नहीं दे सकते? क्या बात है. तो फिर मैंने सोचा कि यार आई शुड कॉल हर. कॉन्टेक्ट किया मैंने इन्हें, तो मैंने कहा मुझे ज्वाइन करना है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? तो शी सेड कि आप जो मदद कर सकती हो आप आकर मेरे साथ काम करो. और इनकी अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमेशा फ्रेंडली एटीट्यूड रखा और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया. जो मेरे आइडियाज थे उन्होंने उसको कैचअप भी किया, उसे वो अप्लाई भी किया. क्या बात, बहुत हर चीज़ उन्होंने फ्रेंडली जो है उसको सपोर्ट किया. और फिर ये नहीं, बात ये नहीं करा कि ये मेरा आइडिया था, ये मेरी चीज़ है, मैं अपने तरीके से चला. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर. यस, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर. शी इज नेवर बॉसी, शी इज ऑलवेज फ्रेंडली विद ऑल हर एम्प्लॉयर्स. और जो भी इनके साथ काम करना चाहे हमेशा फ्रेंडली एटीट्यूड रहता है उनका, और जो भी आइडियाज होते हैं उन्हें ओपन अप करती हैं, वेलकम करती हैं. तो ये बेस्ट पार्ट है इनका. तो फिर मैंने जब इन्हें ये बताया कि हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, तो काफी इन्होंने मुझे जो है सपोर्ट किया इस चीज में. अच्छा, ये जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, कितने अरसे से पढ़ रहे हैं अनफस आपके साथ आके? मैं तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं मुझे स्ट्रीट के ऊपर. फर्स्ट मेरी ब्रांच बदर कमर्शियल में थी. अच्छा. तो वहाँ से स्टार्ट किया. देन बहुत से बच्चे मैंने, जब नीलम कॉलोनी और श्री जिला कॉलोनी है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है और मिक्स आबादी है, हर पूरे पाकिस्तान के आए हुए लोग हैं. तो वो लोग वहाँ तक उन्हें आना मुश्किल हो रहा था. फिर हमें एक जगह मिली अब्दुल्ला शगाजी के नीचे, बहरिया ब्रिज है जी, वहाँ पे हमने देखा कि वो सिक्योर भी थी और इन लोगों के लिए डिस्टेंस भी कम था. अच्छा, आपने एक सवालिया निशान तो उठा लिया जिसपे मैं सवाल एक और बनता है मैं जरूर करूंगी रिगार्डिंग द सिक्योरिटी. हम अपने बच्चों को गेट के बाहर जाने से बहुत घबराते हैं. आप यहाँ पे जब मैं वहाँ गई और मैंने देखा ब्रिज के दोनों तरफ तेजी से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लेकिन हाँ मैंने देखे कि कुछ गार्ड्स थे जो कि उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे थ्रू आउट. एंड ये किस तरह हुआ, किन लोगों ने आप लोगों को सपोर्ट किया, ये तमाम बातें मैं आपसे जरूर करना चाहूँगी. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सेफ्टी कम्स फर्स्ट. सेफ्टी हो तो फिर बाकी चीज़ें भी आगे बढ़े. जान की, माल की, इज्जत की, हर चीज़ की सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी, अब इसी हवाले से चूँकि हम बात कर रहे हैं और इंसानियत का एक पहलू है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होता है. वो बच्चे जो कि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिस्ट्रॉय हो रहे थे ऑन द रोड्स, आज उनको एक डायरेक्शन मिली, तो अब उनके ज़िंदगी में ये जो चेंज आया वो कैसे, ये चेंज इनके लिए ज़िंदगी में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, क्या इम्पैक्ट इस माशरे में छोड़ जाएगा, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान है. शी इज़ अ सोशल साइंटिस्ट एज वेल एज अ साइकोलॉजिस्ट. Let's welcome आप लोगों की सबकी बहुत सारी तालियों में. We have with us Dr. Fauzia Khan. अच्छा जी, साथ ही एक ऐसी शख्सियत जो कि अगेन मैंने उनके साथ शोज भी किए हैं, बहुत काम करते हैं फलाही काम, इंसानियत के हवाले से, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के हवाले से बहुत सारा काम करते हैं. इज अ वेल नोन पर्सनालिटी. इनके इंट्रोडक्शन में सच्ची बात है इनका नाम ही काफी है. लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द ह्यूमन एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट, क्योंकि एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा है, अंसार बरनी साहब. बहुत सारे दिन के बाद मुलाकात हुई. आई नो, बिल्कुल. अच्छा जी, आपने देखा आज हमारे पास अनफस मौजूद हैं फ्रॉम ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज डॉक्टर तूबा मौजूद है. यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे आप देख रहे हैं. तो बहुत सारे लोग एक्चुअली अब्दुल्ला शाह गाजी की मजार के पास से जब गुजरते हैं तो उनके ब्रिज के नीचे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं और उनको एक अजीब सी उम्मीद भी आती है. स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स डॉक्टर फौजिया, मुझे बताइए जिस तरह से अभी काम हो रहा है, इन बच्चों को डायरेक्शन मिल रही है, what impact does this leave on these kids as individuals as well as in the society as a whole? बहुत शुक्रिया मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका आपने दिया. देखिए, जो आपने खुद अभी बात की जो स्टार्ट में कि जब लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं और इन बच्चों को वहाँ पढ़ते देख रहे होते हैं, सो आई एम श्योर बहुत सारे लोग वो देख कर
कंट्रीब्यूट भी करना चाह रहे हैं या अपनी जिस कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं उस कैपेसिटी में वो चाहेंगे कि इन बच्चों को हेल्प करें, या इसी तरह और कहीं पर अगर जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको स्कूल्स में ले जाने की कोशिश की जाए। बच्चों पर क्या इम्पेक्ट होगा इसका, वो मैं समझती हूँ कि उसमें शायद थोड़ा बात करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब वो बच्चा वहाँ बैठा हुआ जिस रोड की आपने बात की उस रोड पर बहुत बड़े बड़े स्कूल मौजूद हैं और जहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी आ रहे हैं और जिनके बैग उठाने के लिए उनका स्टाफ भी मौजूद है। सो मेरा ख्याल है कि उसमें अगर मैं देखूँ तो शायद इस बच्चे का भी वही राइट है, उसको भी एटलीस्ट अगर और कुछ नहीं तो वहीं पर ही उस राउंड अबाउट के पास एक सरकारी स्कूल मौजूद है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी जो इन बच्चों को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जब आप स्टार्ट करते हैं वो बहुत सारे लोग उससे इम्प्रेस होते हैं और वो चीज़ करते हैं। बिल्कुल, तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ है, बट आगे जाके अगर थोड़ी कोशिश हो कि इन बच्चों को प्रॉपर स्कूल्स में आपने जमा कर लिया है, ये हम इनसे इनका प्लान जरूर जानेंगे भी कि आगे आखिरकार अब इसका डायरेक्शन बच्चों का क्या है। और सामिनी साहब आपसे हम इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो सड़क पे पड़े रहते हैं उनके साथ जो कुछ होते हैं सानिहा वो हम सब जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। ये जो चेंज है, दिस पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइफ, हाउ इज इट विल इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ये किसी एक बच्चे का सिर्फ फायदा नहीं है, हमारे मुल्क का फायदा हो रहा है, तो ये हमारे बच्चे हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे और अपनी बातों को अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। सड़क कहानी के हवाले से बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद है बहुत सारे जबरदस्त मेहमान, ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट भी मौजूद है, जॉइंट सेक्रेटरी भी मौजूद हैं हमारे पास साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो पूरा जो एक हमारा एक माशरे में जो चेंज लेकर आया जा रहा है उस हवाले से, उसके इम्पैक्ट के हवाले से डॉक्टर फौजिया भी मौजूद है और एक वो शख्सियत जो कि बेतहाशा काम करते हैं इस हवाले से। लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव अंसार बनी साहब। अंसार बनी साहब, ये काम हो रहा है, देख रहे हैं मासूम बच्चों के चेहरे पे भी देख रहे हैं और काम बहुत सारा अभी करना है, दिस इज नॉट इट, देयर इज अ लॉट टू डू। तो मुझे बताएं आपका आपकी क्या सोच है इस हवाले से, इस तरह के जो लोग काम करना शुरू करते हैं अपने अपने एम्बिट से, अपने घरों से बाहर निकल के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, मैं सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को और ये ओशियन ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको भी मुबारकबाद दूंगा कि जिसने भी जहाँ से भी नेकी का काम शुरू किया उसका हाथ अल्लाह पकड़ लेता है, बेशक। मेरा तो ये ईमान है, मेरा तो ये यकीन है। 35 साल में जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती थी तो ईदी और अंसार बर्नी ट्रस्ट होता था, तो मैंने ये सीखा है कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, वो हमसे करवाता है, और जो काम परवरदिगार हमसे करवाता है वो बहुत बड़ा काम होता है, बेशक। लेकिन इसमें हमें, जैसे डॉक्टर फौजिया ने कहा, एक दो चीजों का बड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन्होंने भी स्टार्ट किया है कि इज्जत नफ्स सबसे बड़ी चीज है। मसलन जो लोग सड़क पे बिठा के खाना खिलाते हैं, मैं अफसोस का इजहार ही करता हूँ उनके ऊपर कि यार शामियाना लगा लो, टेंट लगा लो, किसी को बेइज्जत मत करो, शायद मुझ जैसा सफेद पोश अगर भूखा गुजर रहा है तो मैं भी दो निवाले वहां से खा लूं, लेकिन इस खौफ से नहीं खाऊंगा कि मैं सफेद पोश आदमी हूँ, कोई देख ना ले। तो वो जो इज्जत नफ्स है वहीं से परवरदिगार आलम का रहम करम हम पे शुरू होता है। तो जो लोग ये देख रहे हैं कि ये सड़क पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो इनको सपोर्ट करें। बिल्कुल, वो इनको सपोर्ट करके, अगर कुछ भी नहीं है, अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो वेर लैंड गुड, अगर नहीं कर सकती है तो एक शामियाना ही लगा दें यार। बेशक, इन बच्चों की शक्लें कोई ना देखे कि ये गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, ठुकराए हुए नाउज बिल्ला बच्चे हैं, इनको कोई पुरसान हाल ही नहीं है, इनको कोई पूछने वाले नहीं है। तो दो खवातीन आई हैं और उन्होंने बैठ के इनकी मदद करनी शुरू कर दी। तो ये दो खवातीन नहीं है, इस पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है इन बच्चों को तालीम देना।
तो इस मुल्क की जिम्मेदारी अगर है और वो देख रहे हैं कि बच्चों सड़कों पे हैं, तो मैं बच्चों को सड़कों पे देखना नहीं चाहता, मैं भूखों को सड़कों पे खाना खाते हुए नहीं देखना चाहता। इज्जत नफ्स अगर मर गई, इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट जो आपने रेज किया, और इस हवाले से तो हम बात कर ही रहे थे। और जी जी डॉक्टर, हाँ मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि ये गैरेज स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है जी, और बहुत सारी ऐसी खवातीन जिन्होंने घर में बैठे हुए अपने घर के जो उनकी सपोर्ट उनका स्टाफ था उनके बच्चों से स्टार्ट किया, और गैरेज स्कूल का एक कॉन्सेप्ट, और उसने उस स्कूलों से जो उन्होंने स्टार्ट किए बहुत अच्छे बच्चे निकले जो कि आगे स्कूलों में गए, उन्होंने उनको एक यू नो आगे लेकर गए। तो आई थिंक बहुत अच्छी वो है, और मैं बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमारी बहनें टीवी देख रही हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ठीक है मैं भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, हर कोई बहुत कुछ करना चाहता है, बट तालीम के हवाले से एटलीस्ट अपने घर से स्टार्ट करें, मेक श्योर कि आपके घर में जो काम कर रहा है या कर रही है उसके बच्चे जो है वो स्कूल जाए। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्यूटीफुल, और हर इंसान यस बिल्कुल, मतलब मैं मेरा बच्चा जा रहा है मेरी जिम्मेदारी है वो, कि जो मुझे मदद कर रहा है मैं उसकी मदद करूं, मैं उसको फैसिलिटेट करूं। एक अर्ज करना चाहूंगा मैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी है एक माँ अस्तग़फ़िरुल्लाह बाजार में नहीं बैठना चाहती, तो उसका 10-12 साल का बच्चा जो है वो उसका पेट पाल रहा है। हम उस माशरे के रहने वाले हैं, हमें हकायक को तस्लीम करना है। उसके लिए मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि फंडरेजिंग करें, और उस बच्चे के घर में उस माँ की इज्जत को बचाने के लिए 400-500-1000 महीने के दे दें कि भाई ये बच्चा अब हमारा है, इसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो तुम्हारा पेट तुम्हारे साथ लगा हुआ है हमें उसका भी ख्याल है, और हम उसमें भी आपकी मदद करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा कि उस औरत की इज्जत बच जाएगी और वो परेशानियों से बहुत ज्यादा बच। अच्छा, आप इन्हीं चीजों के हवाले से हम ऑफकोर्स हमारे पास अनफिस हैं, और अनफिस ने अपने शहर पे एक बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है, वो ये कि शीज इंसेंटिवाइजिंग चिल्ड्रन एज वेल, कि उनको हो कि वो आके पढ़ें, क्यों उनका तो दिल किसी ऑनेस्टली किसी बच्चे का दिल नहीं ज्यादा पढ़ने को, तो जस्ट टू ब्रिंग देम देयर टू स्टडी, उनके माँ बाप को कन्विंस करना, ये अनफिस अपनी जबानी खुद बताएंगी क्योंकि हम तो जाके उनके शेड पे देख कर आए हैं हाल। सो अनफिस किस तरह कन्विंस करती हैं, इंसेंटिव के बारे बताएं, बच्चों को किस तरह इंसेंटिवाइज करती हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से प्लीज़ ज़रूर बताएगा। फर्स्ट सिक्योरिटी वाइज मैं आपको बताऊंगी कि क्योंकि सिक्योरिटी हमने हर जगह से मांगी किसी ने दी नहीं है, फर्स्ट मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो बच्चे हैं हम इन्हें घरों से निकाल के नहीं लाए, अगर मैंने वहाँ नहीं पढ़ाऊँगी तो ये वहाँ भीख मांग रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे छोटी बच्चियाँ जो है उनके साथ जिनसे इस्तेसाल होता है सबको पता, ठीक है, वहाँ पे ड्रग्स बिक रहे होते हैं, ये बच्चे वहाँ पे जो है भीख की सूरत में मिलेंगे, थैलियाँ बेचने की सूरत में मिलेंगे, अगर वो बच्चे वहाँ भीख मांग सकते हैं वहाँ से गलत चीज़ों में जा सकते हैं तो वो पढ़ क्यों नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। जब वहाँ वो भीख मांग रहे होते हैं पूरी रात पड़े हुए होते हैं तब उनको किसी को उनकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं होता, तब गवर्नमेंट कहाँ होती है, तब हमारी जो है सोसाइटी कहाँ होती है। लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ तो हर कोई मुझे आके बताता है ये 17 साल से पढ़ नहीं रहे थे तो भी आप यहीं थे, ठीक है, अब जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे हर कोई आके कहेगा ये होना चाहिए ये होना चाहिए, बीबी यही वहीं थे सारे, ये अभी जब मैं जाती हूँ तो भी वहीं होते हैं। तो चेंज तो ये आया कि आप इनकी एनर्जी को बेसिकली एक डायरेक्शन दी है जो सही काम की तरफ ताकि अपनी जिंदगी भी बना सके। और एक सबसे बड़ी बात ये कि आप एक बात देखिए, इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, घर, खुराक, इलाज, पढ़ाई बाद में आती है, हमारी गवर्नमेंट हमारे लोग ये समझ ही नहीं पाते, इसलिए नहीं समझ पाते कि जब आप एक घर में पैदा होते हैं जब आपको रोटी चावल सब मिल रहा होता है तब आप बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। सही बात है, जब तक आप एक दिन भूखे नहीं रहेंगे और एक दिन घर से बाहर नहीं रखेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि पढ़ाई बाद में आती है, आप जब अपने बच्चों को सिक्योरिटी नहीं, एक 9 साल की बच्ची को जिनसे इत्तेसाल होता है तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि नहीं तुम सुबह 7 बजे उठो तैयार हो और स्कूल आओ, यार आप देखो तो उसका पहला मसला क्या है, पहला मसला उसकी खुराक है, उसका घर है, दो दो तीन तीन शादियां करके बाप भाग जाते हैं बच्चे पैदा करके, माएँ बीमार हैं वो बच्चे क्या करेंगे, अपनी माँ को रोता देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, वो कहेंगे चले हटे हम पहले काम करेंगे और अपने आप को पालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग करते हैं, एक तो बहुत बार करने को तैयार नहीं है किसी पर, वो कहते हैं आप लोग आएंगे फोटो सेशन कराएंगे फिर भाग जाएंगे, ऐसा लोग करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की मैं आपको बात बताऊँ, एक स्कूल है मैं नाम किसी का नहीं लेती, 16 साल से एक NGO ने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, ये बच्चे मेरे पास आ सकते हैं, 450 बच्चे मेरे पास आ सकते हैं, उनके पास सारी लग्जरीज हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट है, करोड़ों रुपए की एड है, उनके पास क्यों नहीं जा सकते जी।
आप जो पैसे लेते हैं उनमें से 10% लगा दें इन पे प्लीज, कोई लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन वही है आई थिंक, जब आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो जिस तरीके से आप करते हैं, काश वही जिम्मेदारी हर कोई अगर करे, हर इदारा अपनी जिम्मेदारी अगर भरपूर तरीके से करे तो ये मुल्क के हालात बदल सकते हैं। वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं आपकी स्टाइल कॉलर रेहाना बात कर रही हूँ। रेहाना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आपकी बहुत सारी दुआएं। कैसा लग रहा है हमारा शो? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ए प्लस के लिए कुछ सुनाना चाहूँगी जी, प्लीज। ए प्लस का दरवाजा खुला, सुबह जागो जागो सुबह हुई, फूल कछु सब नम से खुला, जागो जागो सुबह हुई। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो दोपहर की तरफ हम जा रहे हैं, सुबह तो नहीं है, दोपहर की तरफ जा रहे हैं। जागो जागो सुबह हुई हमारे शो का नाम है ना, तो यूजुअली कॉलर्स कोशिश करते हैं कि लग जाए, काफी कोशिश के बाद फाइनली जब लग जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन द सेट, तो फिर दे वांट टू से थिंग्स एंड ये इनका प्यार है, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास बच्चे और हमने बच्चों को एक टास्क भी दिया था, वो ये दिया था कि कुछ हमारे लिए कोई तस्वीर बनाओ, कोई पिक्चर बनाओ, एनी ड्राइंग, और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट होगा वैसे उसको तो गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ही स्पेशल वाला। बाकी ऑफकोर्स बाकी बच्चों को भी गिफ्ट मिलना चाहिए, लेकिन आप डॉक्टर फौजिया आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, ये वो बच्चे, इफ यू वांट टू आस्क देम एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहती हैं इनके साथ तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। हर इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, देयर अडोरेबल, माय गॉड, आई नो आई कैन सी इट, बट क्या पूछूं इनसे, मीडिया के सामने कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाया तो कंफ्यूज होगा। अगर सोशल एस्पेक्ट के हवाले से बात करूं, अब यही बच्चे अगर इनको ये तालीम ना दी जाती तो ये कैसे निकलते, और ये तो तालीम के हवाले से कोई इम्पोर्टेंस मैं आपसे जानूं। देखिए ये हर बच्चे का राइट है, और जो बदकिस्मती से हम नहीं दे रहे उसको कानूनन राइट है उसका, अब तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है कि जी इतने से इतने साल तक इसको फ्री, 16 साल तक उसका राइट है, उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कि ये एक्चुअली चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं सारी, दे आर इंटर रिलेटेड। बिल्कुल, अभी जो हमारी कॉलीग ने कहा कि जी अगर उसके पास खाना नहीं है तो वो बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वो क्या पढ़ेगा वहाँ पे, सही बात है। उस पर थोड़ा सा भी ये हुआ कि कुछ मॉडल्स फॉलो किए जा रहे हैं कि जहाँ मिड डे मील का एक कॉन्सेप्ट था, ये शेरशाह में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन वालों ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रन किया जिसमें मिड डे मील भी वो दे रहे थे और उसके साथ उनको कुछ पेमेंट भी मिलती थी महीने की, उस बच्चे के घर वालों को जाती थी। तो ये कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं सिस्टम को कहूंगी वो रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, हम सब रिस्पॉन्सिबल है। वो पॉइंट आ गया, ऑनेस्टली जब हम सिस्टम की तरफ तो देख ही नहीं सकते। अब आई थिंक वो बात है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, मैं कहाँ पर हूँ, वी हैव टू जस्ट एग्जैक्ट अपनी जिम्मेदारियां, मैं कहाँ पर हूँ। और सॉरी ऐड कर दूं जल्दी, इसमें ये कि साइकोलॉजिकल उसमें अगर आप देखते हैं तो जो बच्चा पढ़ा हुआ है, जो बच्चा नहीं पढ़ा है, जो बैकग्राउंड लेकर वो बच्चा आ रहा है, उसके बाद उसकी क्या पर्सनालिटी बनेगी, कितना वो एग्रेसिव होगा, कितना आगे जाके उस एग्रेशन को शो करेगा, सो साइकिल है। बिल्कुल, और यहाँ पे जब तालीम की बात करें तो जब टीचर एक उस्ताद बैठ के बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो वो सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहा होता, ABC नहीं कर रहा होता, उसके साथ साथ वो उससे उसके मूड्स के बारे में भी देख रहा होता है कि चढ़ाव आया आज, उसको नींद आई हुई है, तो वो उसकी जिंदगी में एक ऐसे तरीके से शामिल हो जाता है कि वो उसको काउंसलिंग करना शुरू हो जाता है। अनफर्स बताएंगे हमें आप किस तरीके से बच्चों को इंसेंटिवाइज करी कि उनको जो 50 रुपीज़ पर डे भी दे रही है और मील के हवाले से फ्यू शेयर है। हम लोग वन टाइम फूड देते हैं बच्चों को, क्योंकि 2-3 ब्रांचेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स हैं। इसके अलावा जब बताते हैं, जैसे हमारे बच्चे खाली खाने पे गुजारा नहीं करते, उन्हें चॉकलेट्स भी चाहिए, जूस भी, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं इन्हें। अगर अगर दूसरे लाइक पीपल लाइक मी, अगर हम आपकी मदद करना चाहें तो हाउ डू यू वांट अस टू हेल्प यू आउट? मैं लोगों से यही कहती हूँ, आप जिस तरह भी चाहें हमारी मदद कर सकते हैं, हमें बिल्कुल ये नहीं है कि आप हमें पैसे दें, आप खुद चीज़ें लाएं अपने हाथों से, जो इनके एक टाइम होते हैं। अब ऐसा लोग आते हैं उनकी विश होती है जब आए उनको चीज़ें पकड़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता, स्कूल टाइमिंग्स हैं, जिस वक्त इनको चीज़ें देने का टाइम है आप उस वक्त आएँ, अपने हाथों से बच्चों को जो देना चाहें दें, लेकिन उसके अंदर कहीं भी इस तरह वो फील ना करें, क्योंकि हम इन्हें जो चीज़ देते हैं एज अ रिवॉर्ड देते हैं, इन पर एहसान करके नहीं देते, ये पढ़ते हैं उसका इनाम होता है। अच्छा, आप ये देखें
यहाँ पे सबकी सबने अपने ड्रॉइंग्स कर ली एंड सावनी साहब आई वुड रिक्वेस्ट कि आप आई एंड यू बी द जज क्योंकि आप यू हैव टू सी व्हाट अमेजिंग वर्क मेरे लिए यार एक बड़ा प्रॉब्लम ये आप जज ना करें आप आके जस्ट कमेंट सी मैं किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकता क्या इस मुमकिन है कि मैं किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकता क्या बात लेकिन हाँ जिसने सबसे अच्छी बनाई होगी तस्वीर ये आपने बनाई है उसको इनाम जरूर दिया जाएगा सच्ची अभी बनाई ये ओ माय गॉड ये इतने कोई टैलेंटेड बच्चे हैं माशाल्लाह इसमें हम एक बगैर देखे एक फैसला कर देते हैं जितने लोगों ने भी पाकिस्तान का झंडा बनाया है उन सबको मेरी तरफ से छोटा छोटा इनाम दिया जाएगा आप जो देंगे वो तो देंगे क्योंकि जिस बच्चे में पाकिस्तान का जज्बा है ये इतना अच्छा इतना कोई जबरदस्त काम हुआ भाई यहाँ पे कि मैं तो कितने बच्चों ने पाकिस्तान के झंडे बनाए ओए पाकिस्तान जिंदाबाद भाई पाकिस्तान 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 वेरी गुड क्या बात है सब विनर्स हैं हमारे पास आज सेट में देयर ऑल विनर्स और हमारी तरफ से आप सब लोगों को गिफ्ट भी मिलेगा हम गिन लेते हैं अभी इनके पास झंडे चले डन जबरदस्त थैंक यू सो मच अंसार साहब बहुत शुक्रिया वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का ब्रेक पे जाएंगे थैंक यू सो मच टूबा बहुत बहुत शुक्रिया आप आए अनफर्स हम आपको थोड़ी देर और बिठाएंगे अपने साथ हमारे साथ अभी हमारा एक और सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है और वो सेगमेंट है एक और पहलू एक और पहलू में क्या होना है वो आपको इस ब्रेक के बाद नजर आएगा ये बच्चों को बहुत सारी तालियों में डॉक्टर तूबा थैंक यू सो मच वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया वी क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ हमारा दीन क्या कहता है पहलू में आप लोग सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद एक और पहलू इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि दीन और दुनिया को जो इंसान साथ लेकर चल गया तो यकीन जाने आपका बेड़ा पार हो गया कोशिश यही है कि हम जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं उसको बताएं कि आखिर हमारा दीन क्या कहता है इसके बारे में क्या ये हमारी सोच नहीं है ये हमारे दीन की सोच है हमारे दीन ने हमें क्या बताया है लेट्स वेलकम हमारे एक और पहलू सेगमेंट में हमारे जो दो खास मेहमान हैं सबसे पहले मेरे पास बहुत दफ़ा आई हैं और मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट हैं और इनकी जो ये शफकत से बात करती हैं और जो जितना प्यार करती हैं वो यकीन जाने वो नज़र आता है लेट्स वेलकम आप लोगों की बहुत सारी तालियों में सरवत अस्करी कैसी हैं सरवत आपा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र थैंक यू सो मच आपने अपना वक्त निकाला हमारे पास आई कैसा लग रहा है हमारा सेट बहुत अच्छा आपकी वजह से ये सेट सज गया है हाय स्वीट मैं कह रही थी ना साथ ही एक ऐसे ऐसी शख्सियत जो कि बहुत दफ़ा मैंने उनके साथ शोज किए हैं और काफ़ी पुरानी अब वाबस्तगी है अच्छी बात ये होती है कि हम काफ़ी सेम टू सेम पेज में रहते हैं सो लेट्स वेलकम आप लोगों की अगेन बहुत सारी तालियों में वी आर वेलकमिंग मुफ्ती नूर रहमानी साहब कैसे मुफ्ती साहब हाउ आर यू ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है देखिए आप लोग दुआएं करते तो आज हमारा माशाल्लाह हम यहाँ पे पहुँच गए सही है ना तो आगे भी दुआएं चलनी चाहिए इंशाअल्लाह अच्छा बात करेंगे इंसानी खिदमत के हवाले से एक और पहलू में हम हमेशा ये सोचते हैं कि यू नो बहुत अच्छी बात है ये बेस्ट की सोच है एनजीओज एंड चैरिटी एंड दिस एंड दैट अगर हम अपने दीन पे नज़र डालें स्टार्टिंग फ्रॉम यू मुफ्ती साहब हमारा दीन इंसानी खिदमत के बारे में क्या कहता है जनरली نحمد المصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وتعاونوا على البر والتقوى صدق الله العظيم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 تلاوت کی اس میں ہے 6 وتعاونوا على البر والتقوى और تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اسلام ضابطہ حیات ہے اسلام وہ دین ہے اور قرآن مجید فرقان حمید جس کی کتاب ہے اور قرآن کا موضوع انسانیت ہے پورا اسلام جو ہے انفرادی اور اجتماعی موضوعات پر فوکس کرتا ہے اور جب آپ مجھ سے سوال کرتی ہیں خدمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نظریہ ہے اس پوری کائنات میں تمام افراد ایک طرف
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ, सारे कुछ लोग खिदमत करते हैं किसी नजरे के तहत, और अल्लाह सुबहानहु व तआला के रसूल खिदमत करते हैं अल्लाह सुबहानहु व तआला की रजा के लिए। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कह लगे, ए अल्लाह के रसूल ये बताइए अल्लाह को क्या चीज बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया, अहब्बु इलल्लाहि अनफहुम लिन्नास, अल्लाह सुबहानहु व तआला के नजदीक वो शख्स बहुत ज्यादा मोहब्बत वाला है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, पूरी कायनात अल्लाह से मोहब्बत करती है और अल्लाह किससे मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो तुम में सबसे ज्यादा नफा देने वाला है लोगों के लिए, जो लोगों की खिदमत करता है, जो लोगों के लिए लोगों के काम आता है परवरदिगार आलम उससे मोहब्बत फरमाते हैं। एक शख्स और आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि अल्लाह सुबहानहू व तआला किसकी मदद फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि जो लोगों के काम में लग जाता है अल्लाह उसके काम में लग जाता है। इस पूरी कायनात के अंदर दो मसाजिद ऐसी हैं कि जिनमें एतकाफ में बैठने की बड़ी फजीलत है, तीन मसाजिद, एक है बैतुल हराम जी, खाने काबा, एक है मस्जिद नबी और एक है मस्जिद अक्सा। मस्जिद नबी जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, मस्जिद नबी वो कि जहाँ जिब्राइल उतरते हैं, मस्जिद नबी वो कि जहाँ एक शख्स नमाज पढ़े तो 50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं उस मस्जिद नबी के अंदर एतकाफ में बैठा हूँ और मेरा भाई कोई आए काम के लिए तो मैं एतकाफ छोड़कर उसके काम में लग जाऊंगा। और फिर ये कि अगर मैं किसी के काम में लगता हूँ तो अल्लाह सुबहानहू व तआला 10 साल के एतकाफ से बढ़कर सवाब अता फरमाता है। और ये याद रखिएगा कि जो शख्स अल्लाह सुबहानहू व तआला की रजा के लिए, याद रखिएगा, 1 मिनट लगाता है, लोगों की मुश्किल दूर करता है, कल हशर के दिन जब कोई किसी का नहीं होगा तो परवरदिगार आलम खास निगाह रहमत उस पर नाजिल फरमाएगा और लोगों के सामने उसका चर्चा करेगा, ये मेरा बंदा है, क्या बात, ये मेरा बंदा है कि जो मेरे बंदों की तकलीफ दूर करता था और आज खालिक इसकी तकलीफ दूर करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छा सरफेज आप, यूजुअली हम ये, और ये बहुत एक ऑथेंटिक सी बात है, हम कहते हैं अल्लाह क्रेडिट नहीं रखता, आप कोई अच्छा काम करते दुनिया में भी दिखा देता है, आखिरत में तो सवाब मिलता ही है आपको, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देता है, इस हवाले से आप हमें क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सायरा, सबसे पहली बात तो ये कि आज जुम्मे के मुबारक दिन पर आपने इतना खूबसूरत मौजू रखा, इतना खूबसूरत आपके मेहमान थे और इतना अच्छे तरीके से आपने इस्लाम की असल तालीमात को दुनिया के सामने पहुँचाने की कोशिश की। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां, और परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद को उतारा इंसानों के वास्ते, अहकाम उतारे इंसानों के वास्ते, रसूलों को भेजा, अंबिया को भेजा सिर्फ और सिर्फ हजरत इंसान के वास्ते, तो कैसे ये मुमकिन है परवरदिगार आलम इंसानों को तन्हा बेयारो मददगार छोड़ देता। आज मैं, आप, कोई भी किसी भी मकाम पर मौजूद है, किसी को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जत शौहरत सरबुलंदी अता फरमाता है तो हमें यकीनन उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो कि हमारी नजरों के सामने है और हमारी मदद के मुंतजर भी हैं। और आप जब किसी का हाथ थाम लेते हैं परवरदिगार आलम आपका हाथ थाम लेता है। दुनिया जाए मुकाफात है, मेरा रब किसी का कोई उधार नहीं रखता, जर्रे बराबर राई के दाने से एक खफीफ अगर कोई मिसाल कुरान मजीद में होती तो वो भी दी जाती, जर्रे जर्रे के अमल का हिसाब और किताब किया जाता है, बदी करेंगे तो उसका अजाब मिलेगा, नेकी करेंगे तो उसका सवाब मिलेगा। बहुत सारी मर्तबा बहुत सारे लोग जो नेकियां करते हैं लोग उनको परेशान करते हैं कि जी आप की वजह, आपने ये किया था इसकी वजह से ये आपके सामने आया। याद रखिए कि दुनिया भी मुश्किलात से परेशान होने की जरूरत नहीं, दुनिया में कोई हमेशा हमेशा रहने के लिए नहीं आया, दुनिया फिरौन नमरूद और शद्दाद से ज्यादा किसी की अच्छी नहीं थी, दुनिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है अपनी रजा के वास्ते, दुनिया मजरे आखिरत है, दुनिया आखिरत की खेती है, तुम जो यहाँ बोगे वो वहां पर काटोगे। और मैं कहती हूँ सायरा, अगर इस आखिरत का तस्वुर ना होता तो आज हमारे यहाँ कोई किसी यतीम को पानी ना पिलाता, कोई किसी गरीब पर हाथ ना रखता, कोई किसी मजबूर का हाथ ना थामता, कोई किसी भूखे को खाना खिलाता, खाना ना खिलाता, कोई किसी
को कपड़ा ना पहनाता अगर ये आखिरत का तस्वर ना होता। इस आखिरत के तस्वर ने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा हमारी दुनिया को सजा दिया है, आरास्ता कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास एक तकलीद वो ज़वात मुकद्दसा है यानी रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक घराने ने अपनी पूरी जिंदगी में हमें बार बार ये मिसालें अमली तौर पर करके दिखाई। एक मरतबा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे किसी रास्ते से, चंद फकरा को देखा, वो बैठे हुए खाना खा रहे थे। फकरा ने कहा कहा फरजंदे रसूल हमारे साथ आइए, इस खाने में शरीक हो जाइए। उनको यकीन नहीं था लेकिन यहाँ पर खानदान रिसालत था, रसूल का घराना था। इमाम अली मकाम बैठ गए, सरे राह बैठ गए और उनके साथ उस खाने में शरीक हो गए। लोगों को बड़ी हैरत हुई, लोगों को बड़ी हैरत हुई, कहा फरजंदे रसूल आप इनके साथ सरे राह बैठ कर इनके खाने में शरीक हो गए। कहा कि ये अल्लाह का कुनबा है, ये वो मखलूक है जिसे अल्लाह अपना खानदान अपना कुनबा करार देता है। और उसके बाद फरजंदे रसूल ने फरमाया कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, तुमने हमें खाने पर की दावत दी है, आओ तुम भी हमारे यहाँ खाने की दावत पर आओगे। और उसके बाद उन तमाम गुरबा को, तमाम फकरा को इमाम अली मकाम ने अपने घर बुलाया, खाने पर बुलाया और खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद उनको इनामात, वजीफे और रकूमात जो कुछ दे सकते थे वो उनको देकर रुख्सत किया। लेकिन याद रखिएगा, कोई नेकी का काम, कोई एहसान किसी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि दीन और शरीयत के मुतसादिम ना हो। बिल्कुल, दीन और शरीयत का ख्याल रखते हुए अगर इजाजत हो तो मैं एक दो जुमले की और वजाहत कर दूं। एक और मरतबा इस वाक़े को थोड़ा सा अरसा गुजरा, चंद दिनों के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर एक रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पर देखा कि कुछ और अफराद फुकरा जो हैं जमीन पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं। उन्होंने भी बुलाया कहा फरजंदे रसूल आ जाइए हमारे साथ और कुछ खाना तनावुल फरमाइए, आपने इनकार कर दिया। उनको हैरत हुई, कहा कि फरजंदे रसूल कुछ दिनों पहले आपको किसी और ने दावत दी, आपने उनकी दावत को कबूल कर लिया, हमारी दावत को कबूल नहीं फरमाते हैं। आपने फरमाया कि तुम लोग जो खाना खा रहे हो ये सदका है, तुम लोगों के घरों से सदका मांग के लाए हो, सदका अहले बैते रसूल पर हराम है। यानी अच्छे काम, नेकी के काम, भलाई के काम सब कीजिए लेकिन जहाँ पर शरीयत आ जाएगी दरमियान में अहकामाते इलाही आ जाएंगे उससे मुतसादिम नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, इस पे तो कोई शक नहीं। अच्छा, अब चूंकि बात करी थी मैंने अपने जो शुरू में प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसमें मैंने एक बात कही थी एंड दैट वाज कि खुशी एक हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। डॉक्टर फौजी, एक बात देखने में आता है कि यूजली लोग, मैंने खुद ने ये प्रैक्टिस किया है कि देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू वंडर कि यार मैं ये खुशी कैसे मिलती, कैसे, आई मीन क्या फॉर्मूला क्या है। कई लोगों के पास दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद वो खुश नहीं होते और किसी के पास कुछ ना होकर भी वो बहुत खुश होते हैं। तो आई स्टार्टेड डूइंग टू थिंग्स, मैं एक शुक्र करना शुरू कर दिया, ग्रेटिफिकेशन, अल्लाह का शुक्र अदा किया, हर चीज़ की शुक्र किया, माँ बाप का शुक्र किया, यू नो। और दूसरी चीज़ मैं लोगों की मदद करना शुरू हो गई, उससे भी खुशी मिलने लगी। ये क्या माजरा, ये ऐसे कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क? फॉर्मूला बड़ा अच्छा बताया है आपने सायरा इस वक्त के, वाकई कि अगर खुशी ढूंढनी है तो पहले दूसरों को भी खुश रखो, दूसरों के साथ खुशी बांटोगे तो वो बढ़ती है, जो हमने हमेशा से। दूसरी बात ये कि अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स में देखते हैं कि जब एक्सरसाइजेज हैं पर्सनालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, ऐसे कैसे किया जाए, उसमें अगर आप देखें कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उसके नतीजे में जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। तो जब आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली एक बड़ा अच्छा आपको फ्लेवर मिलता है, एक बड़ा अच्छा स्टेट ऑफ माइंड में आप आते हैं। सो ये कि जो लोग जिनको प्रॉब्लम, अच्छा फिर थोड़ा सा ये भी होता है कि बाज लोग ये कंप्लेन करते भी नजर आते हैं कि नहीं जी हम तो ये भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, फिर भी आराम नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो आप जो भी आपका जेस्चर है वो शायद सच्चा नहीं है, खुलूस वाला नहीं है, वो जिस उस तरह होना चाहिए कहीं उसमें वो चीज़ कमी है। हो सकता है आप किसी की मदद एक्स वाई जी चीज की वजह से कर रहे हैं, उस वजह से नहीं कर रहे हैं कि जो यहाँ से होनी चाहिए। क्या बात है जी, कलामी की माफी चाहती हूँ। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, एक रिस्के हलाल और दूसरा अपनी जिंदगी का फॉर्मूला ये बना लीजिए, किसी पे जुल्म ना करो। बिल्कुल सही बात, जालिम कभी खुश नहीं रहता। बिल्कुल, मजलूम जुल्म उठाकर भी बहुत कम चीजों में भी वो खुशी तलाश कर लेगा लेकिन जालिम को खुशी नहीं मिलेगी। अच्छा अंसार साहब, मुझे एक बात बताएं, अब अगर हम बात कर रहे हैं ना कि फाइंडिंग योर ट्रू कॉलिंग,
हर इंसान, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप कर तो रहे हो लेकिन आपको फिर भी खुशी ना मिले, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो शायद इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो या उस नियत से नहीं कर रहे हो जिससे एक्चुअली करना चाहिए। तो आप जब इस काम में माशाल्लाह इंसानियत की खिदमत में आए और आप इतने अरसे से माशाल्लाह आप कर रहे हैं, आपको कैसे फील हुआ कि दिस इज इट, आपको यही करना था, अल्लाह ने आपको इस दुनिया में शायद यही काम करने के लिए भेजा? देखिए, मैं अगर यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ ना आज, तो अल्लाह की रजा है तो बैठा हूँ, वरना मैं रास्ते में मर जाता, एक्सीडेंट हो जाता, कोई और प्रॉब्लम हो जाता, कोई भी। अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो उसकी रजा से आया हूँ। बेशक जिस लम्हे आप ये समझ लेते हैं कि ये सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, उसी लम्हे आप शुक्र गुजार हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह आपसे करवा रहा है। और अल्लाह आपसे दो काम ले सकता है, या बुराई का या अच्छाई का। तो ये उसका मुझ पे रहम है, हम पे रहम है कि उसने हमें अच्छाई के काम के लिए चुना। और जिस वक्त आप किसी के आंसू पहुंच के उसे मुस्कुराहट दे रहे होते हैं, तो उस लम्हे आप ये समझ लीजिए कि आप अल्लाह को उधार दे रहे हैं। और अल्लाह उधार रखने वाला नहीं है, अल्लाह उधार रखने वाला नहीं है, वो उसको कई गुना बढ़ा के आपको लौटा रहा होता है। बात ये है कि ये आप सब कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह पब्लिसिटी भी दे देगा, दिखावा भी दिखा देगा, लेकिन आपके चेहरे पे वो नूर अता नहीं करेगा जिस नूर का उसने आपसे वादा किया है। वो आपको वो उधार नहीं ले रहा फिर वो आप। लेकिन अगर आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह आपको इज्जत भी दे रहा है, अल्लाह आपको शोहरत भी दे रहा है, अल्लाह आपको जन्नत भी दे रहा है। क्योंकि वो जो उधार आप अल्लाह को दे रहे हैं, वो आपको दुनिया में भी लौटा रहा है और उसने रोजे आखिरत का भी यकीन दिलाया। तो जब आप पूरा यकीन कर लें कि ये सब कुछ जो कुछ मैं करता हूं ये अल्लाह मुझसे कराता है और मैं उसका मशकूर हूं कि उसने मुझे चुन लिया है। तो जब उसने मुझे चुन लिया है तो ये उसकी आता है। और जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अभी मैं और डॉक्टर फौजिया थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि थोड़ी सी शोहरत पाके अपने आप को संभाले रखना। कब संभालता है आदमी? कि मालिक ये तो तू है और हम जैसे गुनेगार हैं, तो हम जैसे गुनेगारों को अता कर रहा है, तो ये तेरी अता है। सुभान अल्लाह। और जब तेरी अता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सब की जो छोटी मोटी, मैं कहती हूँ ना, जो भी एफर्ट्स होती हैं अल्लाह उससे राजी हो, हमारी छोटी मोटी गलतियों को भी माफ, बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ करे। बेशक रहमान है रहीम, वो रहमान और रहीम। बिल्कुल। अच्छा जी, वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। तो एक सवाल मैं आपके लिए अनफर्स छोड़ के जा रही हूँ। आप समेत, मुझ समेत बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो आप कोई अच्छा काम करने का सोचते भी हैं तो हर्डल्स तो बहुत सारे आते हैं, एंड देन आपको ये भी नहीं पता था कि शुरुआत करें तो कहाँ से करें, हाउ डू यू स्टार्ट, वो पहला कदम लें कैसे, वो नहीं समझ में आता कि हाउ टू गो अबाउट इट, कि पहले तो कभी नहीं किया होता है, तो वो खौफ, वो अनसर्टेनिटी, वो चीज़ें किस तरीके से आप ओवरकम करें और क्या रास्ता अपनाएं, वो जरूर आपसे जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट, आई होप आप लोगों को भी मजा आ रहा हो। स्टे विद अस, कहीं ना जाएगा, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। घर की, अपने मकान की तामीर कर रहे होते हैं और खिड़कियां प्लान कर रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस कमरे में खिड़की आनी है या किस तरह आनी है, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हवा सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगी। अगर हम इसके साथ सिर्फ ये सोच लें कि हवा तो खिड़की ही बनेगी तो हवा तो आ ही जाएगी, सिर्फ ये सोच लें कि अजान की आवाज़ कहाँ से बेहतर आ जाए, तो यकीन जाने ये भी आपकी एक नेकी हो जाएगी। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हर अमाल के पीछे नियत का दारोमदार, कहते हैं हर नियत अमाल का दारोमदार नियत पे है। तो इसी तरीके से अगर हम हर चीज़ को ये सोच के करें कि ये इबादत है, तो वो आपकी नेकी में शामिल हो जाएगी। अनफर्स की तरफ चलते हैं, इनसे सीक्रेट ला जानने की कोशिश करते हैं कि जब इन्होंने स्टार्ट किया तो वो जो पहला कदम था उस वक्त क्या क्या डर थे इनको, उन्होंने इसको किस तरह ओवरकम किया था कि मैं और आप अगर कुछ काम, कोई अच्छा, कोई नेकी करना चाहते तो हम भी उसको सीख सकें। तो अनफर्स, हाउ डिड यू स्टार्ट दिस? जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो ये था कि बच्चे लेकर कैसे आए, क्योंकि हाँ। हर एक ने कहा कि माफियाज होते हैं इनके साथ, बिल्कुल तो डेंजरस है बहुत ज़्यादा। मैं गई, इन पहले जो बच्चे नज़र आते थे इनसे बात की, तो पहले तो सबसे पहले ये मना करते हैं हमें नहीं पढ़ना। पहले बताए घर वालों ने सपोर्ट किया? घर वालों में यह है कि जब मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मैं सड़क पे जाके पढ़ा रही हूँ, तब तक तो ठीक था। उन्होंने कहा, मेरी अम्मी ने कहा एक रेंट पे ले लो जगह और इनको वहाँ पे ले आओ। फर्स्ट मेरा यही था कि इस तरह से काम करना है।
लेकिन जब आप जाते हैं लोगों से मिलते हैं तब बात अलग होती है। जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि नहीं ये बच्चे स्कूल आने वाले हैं ही नहीं, ना आएंगे। तो इनसे मैंने कहा कि आप बताएं आप क्या चाहते हैं, किस तरह पढ़ेंगे। तो उसने कहा हम यहाँ बैठते ही यहाँ के पढ़ा लो, मजाक उड़ाया उसने मेरा। अच्छा, यही आओ और यही पढ़ा लो। फर्स्ट टाइम जो मैंने जाके पढ़ाया तो एक लड़की है पैरालाइज है, पश्मीना उसका नाम है, और उसके साथ उसका भाई इंटीरियर सिंह से आए हुए हैं, बदर कमर्शियल में भाई की तरफ होते हैं। उसको मैंने जाके एक मेडिकल स्टोर की स्टेयर्स हैं वहाँ बैठ के पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद एक हफ्ते तक हमारे पास कोई नहीं आया, जिसको बोलती थी भाग जाते थे, पेरेंट्स को बोलूँ मना कर देते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ते बाद तीसरा बच्चा आया, फिर चौथा बच्चा आया, एक दूसरे को देख देख के बच्चे आए। तो उस पर मेरे जाहिर फैमिली के अंदर था कि आप सड़क पर जाओगी, भींगा सैयद वैसी हमारे यहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप सड़क पर जाओगी, सड़क पर आओगी, आजकल तो स्कूल सेफ नहीं है, बिल्कुल हॉस्पिटल सेफ नहीं है। तो उनसे मैंने यही कहा कि अम्मी ये बच्चे सड़क पर सोते हैं, सड़क पर रहते हैं, अगर इसकी जान इतनी कीमती नहीं है तो मेरी भी कोई इतनी कीमती नहीं है। जब वो सड़क पर रह सकती है तो मैं जो उसके साथ होगा मेरे साथ भी होगा, मैं तो इस डर से घर में बैठ जाऊंगी, उसकी जान की हिफाजत कौन करे। सलाम है आपको, माशाल्लाह यही सोच रहे हैं, माशाल्लाह। मैं तो ट्रू इंस्पिरेशन, अनफस तारीफ करने के लिए सिर्फ नहीं कह रही, बट सीरियसली आपने जो बातें की वो बहुत सच्ची हैं और बहुत रियल हैं। ये कोई वैसी कहानी नहीं है जो हम सोचते हैं, लेकिन वही है, जब आपको कुछ करना होता है ना तो फिर आप करते हैं। देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल प्लीज। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है, बहुत दूर से आवाज आ रही है मुझे। कैसी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे अंसार बनी से बात कर रही हूँ। अच्छा वीना, कुछ जो कहना चाहती है जल्दी से कह दें, वक्त कम है और मुझे आवाज भी थोड़ी दूर दूर से आ रही है, जल्दी से बोल दें। मुझे अंसार से बात करनी है। जी जी, जिया सुन रहे हैं आपको, बोले। वो मुझे हेल्प चाहिए थी, जैसे जो बच्चे ड्रग में मुबतला होते हैं उन लोगों के लिए। आपने बहुत अच्छा मौजू किया कहा है, और मैं कहूंगा सायरा को कि इस मौजू पे कोई प्रोग्राम भी करें। Done. ये इंतहाई अहम मौजू है आज के माशरे का, कि ड्रग्स के ऊपर जो सूरत हाल जा रही है पाकिस्तान की वो बहुत बुरी जा रही है, और उस पर कोई तवज्जा नहीं दे रहा, और जो लोग तवज्जा दे रहे हैं मेरे ख्याल है कि वो भी शायद कुछ उसके आदि होते चले जा रहे हैं। इस पे हम काम किसी हद तक करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को जगाने के लिए, आप हमारा साथ दीजिए। जब प्रोग्राम खत्म हो जाए आप इनसे नंबर ले लीजिए मेरा, आप राबता कीजिएगा, क्योंकि ये दर्द वही रखता है जो अल्लाह को समझता है और अल्लाह की मसलहतों को समझता है कि हमें इंसानी जिंदगियां बचानी। एक तो ये ना, आपने किसी को ये दहशत गर्दों से ज्यादा बड़े दहशतगर्द, मुझे बताएंगी कि अच्छा वीना आई थिंक लाइन चले गई, एक वीना को प्लीज मर गया। वीना को नंबर दे दें अंसार साहब का, ताकि ये मसला उनका हम उन तक पहुंचा सकें और उनकी हेल्प आउट कर सकें। बिल्कुल, ये मेरा वादा है अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, कि ये जो ड्रग्स का जो इशू है उसमें बहुत जल्द हम एक शो जरूर करेंगे। जी हाँ, आई टोटली एग्री। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, एट द एंड ऑफ द डे मैं काफी काम करती हूँ एंटी नार्कोटिक फोर्स पाकिस्तान के साथ, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके हॉस्पिटल्स भी हैं, अब एक कुरंगी में है और एक और बन भी रहा है। तो आप जरूर जाइए, फ्री ऑफ चार्ज है, अगर कोई आपका है, आपका प्यारा, आपके घर वाला कोई ऐसा है जिसको आपको दिखाना है, इलाज करवाना है, तो जरूर करवाइए। अवेयरनेस की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये दहशतगर्दी से बड़ी दहशतगर्दी है। मैं जनरल राहिल शरीफ साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, सिपे सालार साहब को, कि इस पे भी तवज्जो दें, ये दहशतगर्दी से बड़ी है। एब्सोल्युटली, ये जो गली गली शीशे के वो खुले हुए कैफे मार दिया ना, वो तो मर गया, स्मोकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म है। और जी हाँ, जब इंसान की खिदमत की बात करते हैं तो इन तमाम चीजों अवेयरनेस फैलाना है, इंफॉर्मेशन लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, ये भी एक इंसान की खिदमत में ही आता है। बिल्कुल, वेरी क्विकली मैसेजेस की तरफ आएंगे। अनफस, आप हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहती हैं? मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारा साथ दें, और इन बच्चों को हम किसी दूसरे स्कूल में भेजने के बजाय, क्योंकि हम इन्हें शुरू से लेके चलें, तो हम चाहते हैं कि हम अपने स्कूल्स खोलें जहाँ पे इन बच्चों को रखें, और 8 तक देखें कि कौन बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है, या नहीं तो टेक्निकल की तरफ लेके जाएं, वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, उनके हॉस्टल्स चाहिए, इनके लिए स्कूल्स चाहिए, ताकि इन्हें आगे तक हम लेके चल पाए इंशाल्लाह, ताकि हाँ बिल्कुल इसका कोई एक एंड रिजल्ट प्रोडक्ट तो निकल के सामने आए।
सरवत आपा मौलाए कायनात फरमाते हैं कि दुनिया की हर बुराई गुरबत और जहालत की गोद में परवान चढ़ती है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी से गुरबत और जहालत का खात्मा करना होगा। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े महल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मस्जिदों में मार्बल के मार्बल चेंज होते हैं, हर साल मस्जिदों में सालाना तामीर और तरक्की होती है, और उम्मत मुस्लिमा के इन मासूम फूलों का, इन मासूम कलियों के मुस्तकबिल का कोई ख्याल नहीं करता। हमें अपनी सोच को तब्दील करना होगा, मज़ारों पर चिराग जलाने से पहले इन मासूम बच्चों को जिंदगी घरों की चिराग तो चलाएं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी। डॉक्टर फौजिया सारा, छोटी सी बात है कि जो भी नेकी कर रहे हैं किसी के लिए, अगर अच्छा सोच भी रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी डर की वजह से नहीं कर रहे, अपने इनर सेटिस्फेक्शन की वजह से। अच्छा, इस पे मैं एक आपसे सवाल मेरे जहन में ज़रूर आया, कई लोग करना चाहते हैं जब कोई अच्छा काम, तो सबसे पहले अब वो हालात ऐसे हो गए कि उनके अच्छे काम को भी ना सबसे पहले लोग उस शक के निगाह से देखते हैं कि इसमें इनका कोई फ़ायदा होगा, तो इस हवाले इस माइंड सेट को हम किस तरह नहीं, वो भी बिल्कुल है उसमें। देखिए एक्चुअली हालात इस तरह के हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और उन चीज़ों की होने की वजह से अब लोग मोहतात होना शुरू हुए हैं कि बिकॉज आपकी हमदर्दी का, आपके जज्बात का कोई भी आता है और किसी भी नाम पर आपको बेवकूफ़ बना के आपसे काम निकलवा के चला जाता है, तो मोहतात होना। मैं जिस डर की बात कर रही हूँ वो ये है कि किसी एक्स वाई जी चीज़ के खौफ से या डर से किसी के साथ अच्छा मत करें, मोहब्बत से करें, के लिए करें। बिकॉज जब आप डर से करें इसका मतलब है कि आप अभी भी कन्विंस नहीं है, फोर्सफुली है, और आप चाह रहे हैं कि जी शुड बी फ्रॉम द हार्ट। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो जैसे मेरी बहन जो नया काम शुरू कर रहे हैं और इसके ऊपर तवज्जो देना चाहते हैं, उनको एक छोटी सी मैं बात कहता चलूं कि अल्लाह बड़ा है या मुश्किल बड़ी है। अगर तुम अल्लाह पे यकीन रखते हो तो मुश्किल की क्या हैसियत है यार, और जो मुश्किलों से गुजरते हैं, करबला ना होती तो आज इस्लाम भी ना होता। तो जो उस करबला से गुजरते हैं वही मोमिन और वही मुस्लिम बना करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, देखें एक इस्लाम का मिजाज है जी, और एक इस्लाम की जो खिलाफ है उनका, इस्लाम के खिलाफ जो लोग हैं उनका मिजाज है सेल्फ, सब चीज़ें अपने लिए, और इस्लाम का मिजाज है कफील होना, मैं अपने लिए भी करूँगा, मैं इनके लिए भी करूँगा, मैं दूसरे के लिए भी करूँगा। ये इस्लाम का मिजाज है, कम्युनिटी सिस्टम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत कोट कर रहा हूँ, अब्दुल्लाह वला तुशिकु बिही शैअन वबिल वालिदैन इहसाना वबिल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह सुबहानहू व तआला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, वज़िल क़ुरबा अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों, वल यतामा यतीमों के साथ, मसाकीन के साथ, गुरबा के साथ, जो लोग माशे के धुतकारे हुए उनको अपना लो, अल्लाह सुबहानहू व तआला तुम्हें अपना लेगा। याद रखिएगा नियत अच्छी कामिल होना चाहिए, परवरदिगारे आलम की बारगाह में नियत जाती है, ये दिल जाता है, चेहरे को संवारने के लिए कई साल लगाते हैं, अगर दिल को संवार लें तो यहाँ अल्लाह सुबहानहू व तआला की रहमत कामना नाजिल होती है, जिसका दिल संवर जाता है वो बैतुल्ला बन जाता है। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, इंसान की खिदमत के लिए हवाले से आपने जितनी प्यारी प्यारी मुझे बातें बताई हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात और जानना चाहूँगी आपसे कि अगर इंसानियत की खिदमत कहते हैं कि ये एक वेस्ट का अप्रोच है जो कि अब हमने फॉलो किया है, या अगर हम आवाम को बताना चाहें कि वेस्ट का नहीं, ये तो इस्लाम का तौर तरीका है पुराने ज़माने से, तो वो किस तरीके से बताएंगे जो NGOs और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह बनती है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इंसानों की खिदमत करते हुए गुजरी। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखें, कुरान का मिजाज क्या है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की टोटल ओनली 500 आया, ओनली 500 आया जो हैं वो फ़िक्ह से मुतालिक हैं, 6100 आयतें इंसानों से मुतालिक हैं, माशरती उसूलों से मुतालिक हैं, इंसानों की खिदमत से मुतालिक हैं, जहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत की बात की उसके साथ जो बात की वो इंसानों की खिदमत की बात की, इंसानों सोसाइटी को डेवलप करने की बात की। याद रखिएगा आपने एक सवाल किया था कि इस दुनिया के अंदर जो खिदमत करता है परवरदिगार आलम उसे क्या क्रेडिट देता है। एक शख्स है, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने की बात है, अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं, मुख्तसर बताऊंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। मूसा कलीमुल्लाह जा रहे हैं, वो शख्स आया कि मूसा कलीमुल्लाह मैं बहुत तंग दस्त हूँ, खाने को नहीं है, रोटी कई के दिन गुजर जाते हैं, मुझे एक रोटी मिलती है, अल्लाह से कहें कि मुझे सारा खाना एक साथ दे दे। मूसा कलीमुल्लाह गए, परवरदिगार से कहा,
अल्लाह एक साथ खाना दे दे। कई अरसे बाद गुजरे तो कहा लंगर लगा हुआ है, कई ऊँट जिबा हो रहे हैं, मखलूक खुदा खाना खा रही है। उस बंदे के पास गए कि तेरे पास तो चंद रोटियां थी खाने की, आज तेरे साथ इतना मामला। उस बंदे ने कहा जाओ अल्लाह से पूछो। अल्लाह के पास गए, परवरदिगार उसके पास तो चंद खाने की रोटियां थी जो तूने एक साथ दे दी थी, आज इतना लंगर। कहा उसने चंद रोटियां अपनी मेरी मखलूक को खिला दिया, मैंने अपने सारे खजाने उसके लिए। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ये बात बिल्कुल, ये हमारा मालिक है, इसमें नियत, ये हमारा रब है, ये हमारा रब है, इसमें नियत की बहुत बड़ी हैसियत है। एक शख्स गुजर रहा था सहरा से, इतनी फैली हुई रेत को देखकर कहा काश ये सब खाना होता तो मैं मखलूक खुदा को खिला देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने तुम्हें इतना ही अजर सवाब अता फरमा दिया जैसी तुम्हारी नियत थी। क्या बात है सुभान अल्लाह, तो बिल्कुल आज आप नियत करें, आज हम चाहे और आप आई थिंक हम सबको अपने ऊपर लागू करना है कि हम ये नियत कर लें कि आज से हम सोचें अपने अपने ही एम्बिट में रहकर हम क्या कुछ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निकलें, अपने अंदर के जज्बे को कहते हैं ना, अंदर हमारे जो कॉन्शियंस है उसको उठाएं, थोड़ा सा झिझोड़ें और फिर देखें आप पहला कदम उठाएंगे। जैसे अंसार साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की थी, पहला कदम उठाओ आगे अल्लाह ताला रास्ते बना देगा, वसीले भी दे देगा। इसी नोट के साथ अल्लाह ताला हम सबको बहुत तौफीक दे के हम नेकी की तरफ आए, नेकी नेक काम करें, हमसे कभी किसी के ऊपर कोई जुल्म चाहे जानते हुए या अनजानते ना जानते हुए ना हो। और इसी नोट के साथ मैं खत्म करूंगी कि अल्लाह ताला तौफीक दे और हम सबकी छोटी छोटी इबादतें छोटी छोटी नेकियों को कबूल करे। सारा कबीर हमारे बेहतरीन मेहमान, हमारे बहुत ही अमेजिंग ऑडियंस और हमारे पास आज जितने बच्चे आए थे उन सब की तरफ से हमें आज इजाजत दे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई तो इसको संभाले, उम्मीदों की सुबह है।